अस्सलामु अलैकुम, मायसेल्फ सबीहा बादशाह, वेलकम टू एस डी एम ई एस बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 7, टाइम गोज ऑन। आज हम सीखेंगे वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिटेल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंड देयर प्रेजेंट एज आर गिवन बिलो, ऑन इट्स बेसिस राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। यहाँ हमें एक बॉक्स दिया है मेंबर ऑफ फैमिली। मेंबर ऑफ फैमिली में है मनीषा, हर मदर, हर फादर, हर ग्रैंड मदर, और उनकी प्रेजेंट एज बताइए हमें ईयर में। मनीषा की एज 8 ईयर है, हर मदर एज 35 ईयर, उसके फादर की एज 39 ईयर और ग्रैंड मदर की एज हमें 72 ईयर्स बताइए। अब हमें उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज़ द ग्रैंड मदर देन मनीषाज मदर। मनीषा की मम्मी से उसकी ग्रैंड मदर कितनी एज में ज़्यादा है? चले देखें, मनीषा की मम्मी की एज जो है वो 35 ईयर्स है और ग्रैंड मदर की जो एज है वो है 72 ईयर्स। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि कितनी एज ज़्यादा है? इसके लिए हमें 72 से 35 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखें, 72 सब्ट्रैक्ट 35, 2 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा, इसीलिए वंस वाला कॉलम टेंस कॉलम से बोरो लेगा। सो यहाँ पर हम 7 कट करके 6 रखेंगे और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो अब 12 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7, और 6 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा? 3 होगा। तो अभी देखें, हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज़ द ग्रैंड मदर देन मनीषाज मदर, तो आंसर हम लिखेंगे 37 ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ईयर्स यंगर इज़ मनीषा देन हर फादर। मनीषा उसके पापा से कितनी यंग है, यानी उसके पापा की एज मनीषा से कितनी ज़्यादा है? देखिए, मनीषा के फादर की एज जो है वो 39 ईयर्स है और मनीषा की एज कितनी है? 8 ईयर्स। अभी हम उसके फादर की जो एज है 39 ईयर, उससे हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी देखिए 9 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ 1 रहेगा और 3 जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आंसर आएगा हमारा 31 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज हर मदर्स एज एट द टाइम ऑफ मनीषाज बर्थ। मनीषा के बर्थ टाइम पर उसकी मम्मी की एज कितनी थी, इसलिए हमें मनीषा की मम्मी की एज से मनीषा की एज को सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखिए, मनीषा की मम्मी की एज जो है वो 35 ईयर्स है और मनीषा की एज जो है वो 8 ईयर्स है। अभी हम 35 से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 5 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा, इसलिए वंस वाले कॉलम टेंस वाले कॉलम से बोरो लेगा। तो यहाँ पर 3 की जगह हम यहाँ से 3 टेंस से हम 1 टेंस को वंस वाले कॉलम में रख देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास हो गए 15।
अब 15 से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 7, और ये जो 2 है वो वैसा का वैसा ही यहाँ पर रहेगा। तो कितने हो गए, 27 ईयर्स। हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 27 ईयर्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन के साथ ही एक कंटिन्यू क्वेश्चन है, ऑल्सो व्हाट वाज हर ग्रैंड मदर्स एज। तो अब वो जो ग्रैंड मदर की एज 72 ईयर है, उससे भी हमें मनीषा की एज जो 8 ईयर है उसे माइनस करना होगा, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना होगा। ग्रैंड मदर की एज जो है वो 72 ईयर्स है, हम 72 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी 2 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा, सो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर 12 हो गया। 12 से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4, और 6 जो है वो ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे हम, तो हो गया 64। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 64 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एज ऑफ मनीषा आफ्टर 4 ईयर्स। देखें, मनीषा की एज अभी जो है वो 8 ईयर्स हमको बताई है, और आफ्टर 4 ईयर यानी इसमें हमें 4 ऐड करना होगा, तो उसके बाद आफ्टर 4 ईयर इसकी एज क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करने को कहा है। तो अभी मनीषा की एज जो है वो 8 ईयर है, और इसमें हम 4 प्लस करेंगे। तो देखें, 8 में 4 प्लस करेंगे तो लास्ट ईयर हम जो मेथड करते थे वो बताऊं मैं आपको, तो ऐसे हम करते थे, देखिए ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें हमें 4 ऐड करना है, तो 8 के बाद 9 10 11 12, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 12। तो आफ्टर 4 ईयर मनीषा की एज हो जाएगी 12 ईयर्स। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 12 ईयर्स। इसी क्वेश्चन में हमें पूछा है, व्हाट विल बी द एज ऑफ हर मदर। अभी देखिए, आफ्टर 4 ईयर उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, तो फिलहाल उसकी मम्मी की एज जो है वो 35 ईयर है, और 35 में हम 4 ऐड करते हैं तो हो जाता है 39। तो हम आंसर लिखेंगे 39 ईयर्स। और ऐसे ही पूछा है हमें, व्हाट विल बी द एज ऑफ हर ग्रैंड मदर। उसकी ग्रैंड मदर की एज आफ्टर 4 ईयर कितनी होगी, तो अभी जो ग्रैंड मदर की एज है वो 72 ईयर है, और 72 में हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76 ईयर्स। बेटा, आप लोग भी अपनी वर्कबुक में ऐसे ही ये क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए लिखा हुआ है, आप लोग अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।